देखो, कल हमने भारत के नामकरण के बारे में चर्चा की थी। हमने कुछ चीजों के बारे में कल बात कर ली थी कि जैसे हमारे देश का नाम भारत कैसे रखा। उसके बाद में हमने आगे इस बारे में चर्चा की थी कि किन क्या क्या वजह रही जो हमारे देश का नाम भारत रखा। उसके आगे हम जो हमारे देश का अलग नेक्स्ट नाम है हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान थे क्या? ठीक है कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान क्यों रखा, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो देखो, हमारे देश में फारसी या ईरानी लोगों ने हमारे देश को हिंदुस्तान नाम दिया था। फारसी लोगों के द्वारा हमारे लोग इसमें हिंदुस्तान इसको नाम दिया गया था। ये क्या है कि इसके अलावा जैसे देखो, हमारे देश में बाहर से लोग आए, ग्रीक देश के लोग आए, यूनानी देश के लोग आए, अलग अलग देश से हमारे देश में लोग आए। वो लोग क्या करते थे, उनका जो उच्चारण शब्द था वो स जो वर्ड है उसको ह के रूप में उच्चारित करते थे। अब देखो, हमारे देश के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। सबको पता है सिंधु नदी बहती है। अब सिंधु नदी के जो आसपास का एरिया है, जो आसपास का क्षेत्र है, वो लोग क्या करते थे, स को ह बोलने के कारण सिंधु नदी को क्या बोलते थे, हिंदू नदी। वो सिंधु नदी को कहते थे, सिंधु नदी को वो हिंदू नदी नाम से बोलते थे। और सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को हिंदुस्तान वो कहने लगे। तो ठीक है, ये वाला जो वर्ड है इसका आपको पता चल गया हिंदुस्तान हमारे देश को क्यों कहा गया। इसके अलावा देखो, हम इस बात की चर्चा करें कि हिंदुस्तान शब्द का हमें सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है। तो देखो, एक राजा हुआ था शाहपुर, ठीक है, एक राजा था, उसने उसका एक अभिलेख था नक्श ए रुस्तम। जो एक राजा था, यूनानी शासक था, उसको शापुर या शाहपुर नाम से भी उसका दूसरी कई जगह उल्लेख मिलता है। तो इस ईरानी जो शासक है, इसने एक अभिलेख लिखवाया अपने देश में, उसका नाम था नक्श ए रुस्तम। इस अभिलेख के अंदर सर्वप्रथम हमें हिंदुस्तान शब्द मिलता है। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द की व्याख्या हो गई। इसके आगे देखो, आर्यवर्त। देखो, आर्यवर्त आप सबको पता है, हम जैसे ही आगे जाके हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे देश में आर्य लोग बाहर से आए। ठीक है, उन्होंने आर्य एक विदेशी जाति मानी जाती है। कुछ लोग सब अलग अलग मत देते हैं कि आर्य, कोई कहता है मध्य एशिया से आए, कोई कहता है तिब्बत से आए, कोई अलग अलग जगह से बताते हैं, कोई कहता है अंटार्कटिका से आए। तो देखो, आर्य एक समुदाय था, एक ग्रुप था लोगों का, एक समुदाय था, एक कबीला था। उस कबीले के नाम पर हमारे देश के उत्तरी भाग को आर्यवर्त कहा गया। ठीक है, देखो, आर्यवर्त से तात्पर्य है उत्तरी भारत का उत्तरी भाग, केंद्रीय भाग तथा पूर्व से पश्चिम तक समुद्र तट तक था। समुद्र तट एक मतलब दक्षिणतम वाले भाग नहीं, ओनली मध्य भारत तक, उत्तर से लेके ओनली मध्य भारत तक का क्षेत्र और पूरब से पश्चिम तक का जो क्षेत्र है वो आर्यवर्त के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके आगे देखो, भारत ये तो कलम ने बता ही दिया था। यूनानियों और रोमनों ने सिंधु नदी को हिंदू और इंडस नदी कहा। देखो, अभी उससे पहले हमने चर्चा की कि सिंधु नदी को हिंदू कहा यूनानियों और रोमन देश के लोगों ने, और नदी को क्या कहा, इंडस नदी। सिंधु नदी को क्या कहा, इंडस नदी कहा। इस कारण सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को भारत के रूप में जाना जाता है। हेरोडोटस ने सबसे, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया ये लाइन, ठीक है, थोड़ा इसको आप, मैं बाद में बता दूंगी। ठीक है, अब देखो, हमने बताया हिंदू इंडस नदी, ये यूरानियों की देन, ये यूनानियों की देन है, रोमन ग्रीक देश के लोगों की देन है। इसमें सिंधु नदी को इंडस या हिंदू नदी कहा गया और इसी के आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। इंडस के आधार पर ही जो फारसी लोग थे उन्होंने हमारे देश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग भी किया था। ठीक है, अब देखो, एक नाम आता है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? सर्वप्रथम सम्राट अशोक, अशोक सम्राट को तो सभी जानते हैं, महान राजा, मौर्य वंश का एक महान राजा। उसने अपने शिलालेखों में, अपने अभिलेखों में हमारे देश का नाम
जम्बूद्वीप वर्णित किया। अब देखो जम्बूद्वीप एक वृक्ष आता है जिसके नाम के आधार पर, वृक्षों की अधिकता के आधार पर हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप का भी उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जम्बूद्वीप का उल्लेख कहाँ मिलता है, अशोक के अभिलेखों में। इसके आगे देखो, अब हमने इतिहास के हमारे देश के नामकरण का बारे में हमने चर्चा कर ली। मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में भारत हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, क्यों, क्योंकि महाभारत कालीन वेद व्यास जी के द्वारा जो महाभारत की रचना की गई उसके अंदर हमारे एक राजा का नाम का उल्लेख मिलता है, राजा और एक रानी, उनकी रानी का नाम था शकुंतला, उनका एक महान पुत्र भरत जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। उसके अलावा कई मान्यताओं के अनुसार हमें यह भी पता चलता है कि हमारे देश में जैसे भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत, उसके नाम पर भी हमारे देश का नाम भरत पड़ता है। उसके अलावा हमने चर्चा की हमारे देश का नाम हिंदू या हिंदुस्तान कैसे पड़ा, यूनानी या रोमन लोग थे वो सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे क्योंकि वो स का उच्चारण ह के रूप में करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी और इंडस कहा। उसके अलावा और सिंधु के आसपास के जो एरिया था, जो क्षेत्र था, उसको उन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। ठीक है, अब एक उल्लेख मिलता है जम्बूद्वीप। अशोक जो सम्राट महान अशोक के राजा के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्य वंश का एक शासक है, उसके बारे में हमें पता चलता है उसके शिलालेखों में, उनके अभिलेखों में कि हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप भी था। अब देखो हमने हमारे देश का बारे में पूरी जानकारी, नामकरण हमने पढ़ लिया, हमने हमारे देश का नामकरण पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से हमारे यूनिट फर्स्ट के टॉपिक। देखो हम पढ़ेंगे, हम अध्ययन करेंगे इतिहास का। ठीक है, अब इतिहास का अध्ययन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इतिहास का पता कैसे कैसे चलता है, उसके लिए हमें किन किन चीजों पर हम डिपेंड रहते हैं, जिन जिन चीजों से हमें पता चलता है कि इतिहास क्या था, अतीत में क्या घटित हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी, तो वो सारी चीजें हम जानने के लिए सबसे पहले हम इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करेंगे तभी तो हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलेगा। तो देखो इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, तो मैं आप सबको पता होगा कि सबसे पहले इतिहास को जानने के दो स्रोत माने जाते हैं। देखो कौन कौन से, एक तो पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, इसका हम आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में चर्चा करेंगे। देखो अब हम नंबर फर्स्ट चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं, देखो ऐसे स्रोत जो हमें या तो किसी सभ्यता के उत्खनन के दौरान प्राप्त होते हैं, प्राचीन काल में प्राप्त होते हैं, प्राचीन काल की सभ्यताओं के बारे में जानने से हमें पता चलते हैं। तो देखो इनमें कौन कौन सी चीजें आते हैं, एक तो होता है अभिलेख, एक होता है स्तंभलेख, एक होता है गुहालेख, और इनमें सिक्के और मृदभांड आदि आते हैं। अब देखो अभिलेख क्या होता है, जैसे कोई राजा है, कोई शासक है, उसके द्वारा चट्टानों पर अभिलेख, मतलब चट्टानों पर, चट्टानों को काट के उन पर कुछ आज्ञाएं लिखवा दी जाती है उनके द्वारा, या फिर कुछ नियम लिखवा दिए जाते हैं, या कुछ भी जो राजा जो भी आज्ञा देता है, जनता के लिए आदेश देता है, वो सारी चीजों को लिखवाना और फिर गांव में, उनके राज्य में, किसी भी स्थान पर स्थापित करवा देना, उसे क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। अभिलेखों में किसी राजाओं की उपलब्धियों का भी वर्णन किया जा सकता है, किसी राजा की वंशावलियों का भी वर्णन किया जा सकता है। ठीक है, स्तंभ लेख भी अभिलेख की तरह ही होता है। स्तंभ लेख एक चट्टान को काट के एक बड़े स्तंभ के रूप में इसको उठा के कहीं दूसरे स्थान पर स्थापित करके स्तंभ के रूप में इस पर भी कुछ चीजें लिखवा दी जाती है, ये क्या कहलाता है, स्तंभ लेख। ठीक है, अब आती है गुहा लेख। गुहा का मतलब होता है गुफा, ठीक है, मतलब केव, ठीक है, सब जानते ही हो। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कोई पहाड़ है, मान लिया एक पहाड़ है, यहाँ पे ये पहाड़ है, अब पहाड़ों में जैसे कोई गुफा है, ठीक है, ये गुफा है यहाँ पे, अब क्या किया जाता है कि इस गुफा के जैसे इधर चारों तरफ
यहाँ पे कुछ लिखवा दिया, यहाँ पे कुछ लिखवा दिया, यहाँ कुछ लिखवा दिया, इस पर कुछ लेख लिखवा दिया गया, तो ये लेख क्या कहलाएंगे? गुहा लेख। ठीक है, इसके अलावा सिक्के। अब देखो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पे जैसे कुछ नोट चलते हैं, रुपए पैसे जो भी चलते हैं, उन पर भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, सन लिखा हुआ है कि ये कब बना, उस पे हमारी भाषा लिखी होती है, हमारे देश का नाम लिखा होता है। उसी तरीके से प्राचीन काल में भी राजा महाराजाओं के द्वारा या फिर उससे भी प्राचीन सभ्यताओं में लोग जैसे कुछ सिक्के चलाते थे, उनके जो रुपए पैसे जो भी होते थे, तो उन सिक्कों पर भी हमें पता चलता है कोई राजाओं के नाम है, कोई राजाओं की उपाधियों के नाम है, तो वो सारी चीजों से हमें पता चलता है कि उनका इतिहास कैसे रहा होगा, राजाओं की क्या क्या उपाधियां रही होगी, क्या क्या उनके काल कारण रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा पुरातात्विक स्रोतों में क्या आता है? मृद भांड। मृद भांड क्या होते हैं? मृद मीन्स मिट्टी, भांड मीन्स बर्तन, मतलब मिट्टी के बर्तन। देखो पॉटरी, मिट्टी के बर्तन। आप जैसे हम सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे उसमें देखो खनन के दौरान, खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान प्राचीन काल में मृद मिट्टी के बर्तन निकलते हैं, टुकड़े निकलते हैं, छोटे छोटे अलग अनेक प्रकार के पत्थर और मृद मिट्टी से बने हुए बर्तन निकलते हैं, तो उनसे भी हमें पता चलता है कि इनका क्या इतिहास रहा होगा, ये किस तरीके के बर्तनों का प्रयोग करते थे। तो ये सारी चीजें किस में आती है? पुरातात्विक स्रोतों में आ जाती है। आगे देखो, पुरातात्विक स्रोत समझ में आ गया। अब हम चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल में उत्खनन खुदाई इनके दौरान प्राप्त हुए वो। ठीक है, अब आगे साहित्यिक स्रोत की हम चर्चा करेंगे। देखो साहित्यिक स्रोत क्या क्या होते हैं? अब देखो साहित्यिक स्रोत हमें तीन प्रकार के प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। पहला है धार्मिक साहित्य, नंबर सेकंड धर्मेतर साहित्य, मतलब एक तो धर्म के अंदर धार्मिक साहित्य और धर्मेतर, मतलब धर्म के अलावा, धर्म के अलावा दूसरे साहित्य, और नंबर थर्ड है विदेशी साहित्य। अब देखो धार्मिक साहित्य क्या होते हैं, धर्मेतर साहित्य क्या होते हैं, विदेशी साहित्य क्या होते हैं, हम इसके बारे में आगे नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। देखो अब धार्मिक साहित्य क्या होते हैं, हमारे देश में वैदिक सभ्यता रही है सबको पता है। ठीक है, ब्राह्मण धर्म का हमारे यहाँ पे उद्भव हुआ। ब्राह्मण धर्म और वैदिक साहित्य एक ही चीज में काउंट किए जाते हैं। तो देखो ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य, वेद, वैदिक साहित्य में आ जाएंगे वेद, पुराण और वेदांग, आरण्यक, ब्राह्मण, ये सारी चीजें जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत मानी जाती है, और ब्राह्मण साहित्य ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा बौद्ध साहित्य, आपको पता है हमारे देश में वैदिक सभ्यता के बाद में जैसे बौद्ध धर्म का भी उद्भव होता है, जैन धर्म का भी उद्भव होता है। तो देखो क्या होता है, बौद्ध धर्म के उद्भव के बाद में बौद्ध धर्म के जो जो साहित्य लिखे गए, जो जो रचनाएं लिखी, कुछ ग्रंथ लिखे गए, वो सब किस में आएंगे? बौद्ध साहित्य में आएंगे। तो उनसे भी हमें उस समय के समाज, संस्कृति, इतिहास, सारी चीजें हमें पता चलती है, तो वो सारी चीजें आ जाती है बौद्ध साहित्य में। इसके अलावा देखो जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य के बाद में जैन साहित्य का उद्भव, जैन धर्म का उद्भव होता है, तो जैन धर्म के अंदर जो जो साहित्य की रचना की गई, वहां की जो धार्मिक जीवन है, वहां का सामाजिक जीवन है, वहां का सांस्कृतिक जीवन, किस तरीके से वहां के लोग कैसे क्या रहते, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे धर्मेतर साहित्य, धर्म के अलावा कौन कौन से साहित्य थे। तो देखो धर्मेतर साहित्य में धर्म के अलावा, जिसमें धर्म का वर्णन नहीं है, आम जनजीवन, आम जनता के ऊपर आधारित साहित्य जिन्होंने रचना की, वो धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आ जाता है। उसमें देखो नाटक हो सकते हैं, काव्य हो सकते हैं, गद्य साहित्य हो सकते हैं, लौकिक जीवन से संबंधित ये सारी चीजें आती है, जिसमें आम जनता, आम जनजीवन के बारे में इसमें इंक्लूड किया जाता है, वहां की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, वहां के रहन सहन, वहां की इकोनॉमिक्स कैसी थी, वहां की कल्चर कैसी थी, वो सारी चीजों का इनके बारे में पता चलता है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे विदेशी स्रोत। हमने
पहले बात कर ली धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में कौन कौन सी चीजें आती है? वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सारी चीजें धार्मिक साहित्य में आती है। उसके बाद में हमने चर्चा की धार्मिक साहित्य के बाद में बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के उद्भव के बाद में बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौन कौन से साहित्यों की रचना की गई, वो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने चर्चा की जैन धर्म की, ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैन धर्म में हमने जैन धर्म के साहित्य, जैन धर्म में जिन जिन लोगों ने उनके साहित्य लिखे, रचना की, वो जैन धर्म के अंतर्गत आते हैं। अब देखो हम बात कर रहे हैं, उसके बाद में हमने चर्चा की धर्मेतर साहित्य, मतलब जो धर्म से रिलेटेड ना होके धर्म के से अलग आम जनजीवन, आम जनता के ऊपर लिखे गए, उनके द्वारा लिखे गए, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे विदेशी स्रोत, तीसरे नंबर का विदेशी स्रोत, जिससे हमें इतिहास को जानने की हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखो विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए विवरण ग्रंथ और यात्रा वृत्तांत। देखो क्या होता है, हमारे देश में बाहर से जो जो यात्री आए, या फिर भ्रमण करने के लिए आए, या फिर किसी राजा के राजदूत बनकर आए, उन्होंने यहाँ हमारे देश में आकर यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भौगोलिक दशा, यहाँ की राजनीतिक दशा, यहाँ के लोगों का आम जन जीवन, रहन सहन, खान पीन, हर एक चीज का इन्होंने अध्ययन किया, यहाँ की शिक्षा के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद में फिर उन्होंने अपने ग्रंथों में उन सारी चीजों को नोट किया और यहाँ कई ग्रंथों की रचना की। उन ग्रंथों से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो किसके अंतर्गत आते हैं? विदेशी साहित्य, मतलब विदेशी लोगों के द्वारा लिखे गए साहित्य, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, इनमें देखो मैंने बताया कि धार्मिक साहित्य में कौन कौन सी चीजें आती है। धार्मिक साहित्य में देखो वही ब्राह्मण वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में क्या क्या आ जाता है? वेद आ जाता है, वेदांग, अरण्य, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य। महाकाव्य दो माने जाते हैं हमारे देश में, एक महाकाव्य तो माना जाता है महाभारत, ठीक है, एक महाकाव्य माना जाता है महाभारत, और नंबर सेकंड माना जाता है रामायण। ये दोनों महाकाव्य माने जाते हैं, इनसे भी हमें हमारे देश की संस्कृति, समाज, राजनीतिक, आर्थिक सारी व्यवस्था का पता चलता है। तो ये महाकाव्य, और ये देखो वेद, वेदों के भाग है वेदांग, वेदों में ही अरण्यक, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण, स्मृति ग्रंथ, ये सारे हमारे जो चार वेद है उन्हीं के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। तो इनसे ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ये चीजें आ जाती है। अब देखो इसके आगे हमने चर्चा की थी बौद्ध साहित्य की, बौद्ध साहित्य में कौन कौन सी चीजें आती है। तो देखो बौद्ध साहित्य में मेन सबसे तीन चीजें मानी जाती है, एक विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध साहित्य के ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के सारे नियम सब कुछ इसके अंतर्गत संग्रहित किए गए हैं। अब देखो बौद्धिक इसमें क्या क्या आता है? जातक ग्रंथ, जातक कथाएं। जातक कथाएं किन्हें कहते हैं? भगवान बुद्ध के जन्म से लेके उनके पहले भगवान बुद्ध ने कि कितने जन्म उनके पूर्व जन्म में हो चुके थे, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की सारे घटनाक्रम जिन ग्रंथों में वर्णित है वो जातक ग्रंथ कहलाते हैं। इसके अलावा देखो अन्य पाली ग्रंथ, पाली भाषा में भी बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के ही साहित्य है दीपवंश, महावंश, ठीक है। और इसके अलावा संस्कृत बौद्ध ग्रंथ, मतलब संस्कृत भाषा में भी जो बौद्ध साहित्य का रचना की गई वो बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके आगे देखो अब जैन ग्रंथ के बारे में पता करेंगे अपन। तो जैन ग्रंथों में जैन साहित्य को आगम ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। और भद्रबाहु रचित ग्रंथ, भद्रबाहु जो भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्ति के बाद में जिन्होंने जैन धर्म को संभाला, प्रचार प्रसार किया भद्रबाहु ने, इसके द्वारा जो जो रचनाएं लिखी गई वो उनसे हमें जैन धर्म के बारे में, जैन साहित्य के बारे में पता चलता, जैन ये साहित्यों का वर्णन पढ़ा। इसके अलावा देखो हमारा सेकंड नंबर का जो था ये था कि धर्मेतर साहित्य, मतलब धर्म के अलावा जो साहित्य थे उसमें कौन कौन सी चीजें आती है। तो देखो
माना जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य, मौर्य साम्राज्य मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के जो ये प्रधानमंत्री माने जाते हैं, ये कौटिल्य या इसको चाणक्य भी कह, इनका नाम चाणक्य भी था, इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र, ठीक है, पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी, पतंजलि के द्वारा रचित महाभाष्य, कालिदास की रचनाएं, जो कालिदास ने जो जो नाटक लिखे, रचनाएं लिखे, महाकाव्य लिखे, उनसे हमें पता चलता है, या फिर राज तरंगिणी, मतलब ये एग्जाम्पल है, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में इसमें नहीं कहा गया है इन साहित्यों में, तो ये हो गए धर्मेतर साहित्य, मतलब धर्म से अलग, ठीक है। अब विदेशी साहित्य देखो, हमारे देश में अनेक देशों से अलग अलग दार्शनिक और विदेशी लोगों जिनमें विद्वान भी आए, किसी देश के राजा द्वारा भेजे गए दूत भी हमारे देश में आए, तो देखो यूनानी लेखक यूनान देश से आए हुए, चीनी लेखक चीन देश से आए हुए, अरबी लेखक अरबी देश से आए हुए, और तिब्बती लेखक तिब्बत देश से आए हुए लेखक। इन लेखकों ने, इन विद्वानों ने जो जो रचनाएं लिखी, उन वो सारी रचनाएं किसमें आएगी, विदेशी साहित्य में, ठीक है। इसके आगे देखो, अब हमने चर्चा की, सबसे पहले हमने हमारे देश के नामकरण के बारे में चर्चा की, ठीक है। अब इसके अलावा हमने चर्चा की कि इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास को हम किन किन चीजों से जान सकते हैं, हमने इतिहास को के स्रोतों का हमने अध्ययन कर लिया। अब देखो, हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो इतिहास कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कि थोड़ा सा कोई संक्षिप्त या सीमित क्षेत्र नहीं है कि हमने एक दिन में अध्ययन कर लिया, ठीक है। तो इतिहास काफी पुराना है, काफी समय से इतिहास शुरू माना जाता है, तो हम इतने लंबे समय को लेके हम उसका अध्ययन करेंगे, तो उसको अध्ययन करना एक बहुत ही मुश्किल बात हो सकती है। तो इतिहास के अध्ययन को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए हम इतिहास का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, ताकि हम इतिहास का अध्ययन अच्छे से सरलता पूर्वक कर सकें। तो देखो कि इतिहास का विभाजन क्यों करते हैं हम, कि इतिहास की घटनाओं को आसानी से समझने के लिए, अध्ययन करने व विश्लेषण मतलब उनका एक्सप्लेनेशन करने के लिए, सरल बनाने के लिए इतिहास का विभाजन या कालखंडों में विभाजन किया जाता है, इतिहास को बांटा जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग इतिहास का विभाजन कर दिया जाता है, ताकि हम इतिहास को आसानी से पढ़ सके। तो देखो इतिहास का विभाजन किस तरीके से किया गया है, उन चीजों का हम अध्ययन करेंगे। देखो इतिहास को बांटने के लिए हम इतिहास को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम जैसे मान लो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, आज से लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है, हमें नहीं पता, फिक्स एग्जिट हम नहीं कह सकते पृथ्वी की उत्पत्ति कब से हुई, सर अनुमान के अनुसार हम कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, हम मानते हैं कि जब से पृथ्वी बनी तब से इतिहास शुरू हो गया, ठीक है। अब मानव की उत्पत्ति से लेकर अब तक जो जो घटनाएं घटी, वो सारी चीजें इतिहास में मानी जाती है। अब इतने लंबे टाइम को हम एक साथ कैसे अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है, और तीन भागों में बांटने के बाद ही हम इतिहास का विभाजन करके इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो देखो आप सबको पता होगा कि इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है, कि एक तो है प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है, प्राक या पूर्व ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसके आगे देखो, एक सेकंड रुकिए मैं बताती हूँ, नंबर सेकंड रुकिए देखो, और नंबर सेकंड आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज, ठीक है, और नंबर थर्ड होता है हिस्टोरिकल एज। तो देखो हम सबसे पहले वाली बात करेंगे इतिहास के वर्गीकरण की, कि प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है, देखो नंबर फर्स्ट
इसमें आता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक ठीक है। नंबर सेकंड होता है आद्य ऐतिहासिक, और नंबर थर्ड होता है ऐतिहासिक। इन तीन भागों में हमारे इतिहास को डिवाइड किया जाता है जिससे कि हम इतिहास का अध्ययन कर सके। तो देखो प्राग ऐतिहासिक काल है जो ये है, इसको प्री हिस्टोरिक हिस्टोरिकल एज बोला जाता है इंग्लिश में। इसका देखो इसका टाइम लगभग समय इसका कितना माना जाता है, तो अनुमान के अनुसार लगभग आज से 25 लाख वर्ष पूर्व ईसा पूर्व, या 30 कहीं कहीं जगह 30 लाख ईसा पूर्व भी माना जाता है, वहां से लेके 3000 ईसा पूर्व बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। मतलब इसका प्राग ऐतिहासिक काल का टाइम कितना माना जाता है, लगभग आज से 25 लाख बीसी से लेके 3000 बीसी, यानी आज से लगभग 25 लाख ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब तो आप देखो ईसा मसीह का जो जन्मदिन है, ईसा मसीह के जन्मदिन से पहले का टाइम उसको ईसा पूर्व में गिनती की जाती है उसकी, और इसके जन्म के बाद को ईसा बाद या ईसवी सन के अंदर काउंट किया जाता है। तो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 25 लाख या 30 लाख वर्ष पूर्व से लेकर ईसा मसीह के जन्म से 3000 बीसी बिफोर क्राइस्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व। तो इस प्राग ऐतिहासिक काल का समय क्या माना जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल का समय माना जाता है आज से लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। अब देखो हमने इसको क्यों, इसका नाम हमने प्राग ऐतिहासिक क्यों रखा, इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी, इस समय का इतिहास कैसा था, उन सारी चीजों को हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। देखो अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, क्या क्या हुआ। तो इसमें देखो क्या क्या होता है, इतिहास तो वह काल जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों की हमने चर्चा की अभी कुछ देर पहले, तो केवल पुरातात्विक स्रोतों से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। और इतिहास तो वह काल जिसमें मानव को लिपि का ज्ञान हो, एक सेकेंड, ना तो उनको लिपि का ज्ञान था और ना ही वो लिखना, मैम इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिया लिखने में। देखो प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें मानव को ना तो लिपि का ज्ञान था, वो लिखना नहीं जानते थे, और लिखना जब जानते ही नहीं थे तो हम पढ़ेंगे क्या, हम उसको पढ़ भी नहीं सकते थे, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लिपि का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, ना उन्हें लिखना आता था, ना ही हमें उनसे लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए। हम केवल उनको आज तक हमें वहां पे केवल जैसे पुरातात्विक स्रोत ही कुछ जिनके आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे प्राप्त पाषाण काल में इसको डिवाइड किया गया था, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो इस काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, मतलब मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल भी मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था। मनुष्य एकदम जंगली अवस्था में रहता था, आदि मानव के रूप में रहता था, वो केवल शिकार पर आधारित था, ना वो घर में रहता था, ना समूह में रहता था, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी नहीं थे, वो जानवरों की तरह अकेले ही अपना जीवन व्यापन करते थे। तो प्री हिस्टोरिक एज के अंतर्गत क्या होता है, ना तो जिनकी जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें लिखना नहीं आता था। ये लाइन गलत हो गई है भैया, हम इसको बाद में करेक्ट करवा देंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, ये इसकी विशेषता है, प्री हिस्टोरिक एज की जंगली असभ्य आदि मानव जो पूर्णतः शिकार पर निर्भर रहता था। उसके अलावा देखो इतिहास काल की इस काल की जानकारी के लिए हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना
पड़ता है। अब देखो इस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। इस काल को हम पाषाण काल क्यों कहते हैं, प्री हिस्टोरिकल एज को या प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल क्यों कहते हैं, इसको हम पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो मनुष्य क्या था, केवल शिकारी था, सिर्फ और सिर्फ शिकारी था। तो ये जो शिकार करता था, ये जंगली जानवर को मारता था, तो क्या होता था, पत्थरों से मारता था। ठीक है, अब पत्थरों से मारकर मतलब इनकी पूरी जो जीवनचर्या थी, दिनचर्या थी, सिर्फ और सिर्फ पत्थरों पर ही आधारित थी। ओके, इनका पूरा जीवन शिकार पर निर्भर था और शिकार के लिए इनको जरूरत पड़ती थी पत्थरों की। भाई छोटे मोटे जानवर को तो चलो ये कैसे भी मार सकते हैं, लेकिन जैसे कोई बड़ा जानवर है तो उसको मारने के लिए इनको कुछ ना कुछ हथियार तो चाहिए होगा ना। तो इन लोगों ने, आदि मानव ने क्या किया, पत्थरों से औजार बनाने लगे छोटे छोटे। ठीक है, तो उन औजारों के आधार पर, पत्थरों के औजार बनाने के कारण इस काल को पाषाण काल कहा गया। पाषाण मीन्स पत्थर ही होता है, ठीक है, स्टोन एज, इसको स्टोन एज कहा गया। प्राग ऐतिहासिक काल का एक नाम है पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल क्यों कहा जाता है आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि इस टाइम मनुष्य सिर्फ और सिर्फ शिकार पर निर्भर रहता था। सिर्फ और सिर्फ शिकार पर निर्भर रहने के कारण इनकी पूरी पूरा जीवन इनका शिकार पर डिपेंड था, और शिकार के लिए ये लोग क्या करते थे, औजारों का प्रयोग करते थे, पत्थरों के औजारों का। मतलब इनके जीवन के दो ही पहलू हो गए, एक तो शिकार, दूसरा औजार यानी पत्थर। तो इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा गया। अब देखो पाषाण काल को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखो हम पढ़ रहे हैं आगे आद ऐतिहासिक काल, नंबर सेकंड वाला हमने बात की थी ना, प्री हिस्टोरिक एज अलग हो गया, यह है प्रोटो हिस्टोरिकल, मतलब नंबर सेकंड वाला। इसमें देखो क्या हुआ, मानव थोड़ा सभ्य हो चुका था, मनुष्य थोड़ा सभ्य हो चुका था। इसमें क्या हुआ, इसका टाइम देखो 3000 बीसी से 600 बीसी, मतलब 3000 तक तो प्री हिस्टोरिकल एज था, उसके बाद में 3000 से 600 बीसी तक हमारा जो टाइम ये रहता है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य सभ्य हो चुका था, स्थायी बसावट और एक जगह रहना सीख चुका था, सामाजिक परंपराएं, नगर नियोजन, कृषि व पशुपालन आधारित दिनचर्या उनके हो चुकी थी, ये इसमें आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल में। अब देखो इस काल की जानकारी के लिए भी हमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है, इसका कारण ये है कि इन लोगों ने क्या क्या लिखना तो सीख लिया। प्रोटो हिस्टोरिकल एज में मनुष्य ने लिखना तो सीख लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा, उनकी लिखावट ऐसी थी कि उसको हम आज तक भी पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो हम उनकी लिखावट को जब पढ़ ही नहीं सकते तो उनकी लिपि को भी हम समझ नहीं सके, तो हमें उनके बारे में जानने के लिए भी केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। देखो अब इसका एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो हमें यहाँ से लिपि के साक्ष्य मिले हैं, लिखावट के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो लिपि ऐसी है कि हमें आज तक भी वो समझ में नहीं आई, हम आज तक भी उसको नहीं पढ़ सके, है ना। इस कारण ये लिपि भी, ये जो काल है ये भी पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर ही निर्भर रहता है। अब देखो नंबर थर्ड की हम बात करेंगे आगे, ऐतिहासिक काल नंबर थर्ड, इतिहास के विभाजन में नंबर थर्ड है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में वह काल जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से भी प्राप्त होती है और साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोतों से भी प्राप्त होती है। देखो इसमें क्या होता है, प्री हिस्टोरिकल एज में तो क्या होता है, ना तो वो लिखना जानता है, नहीं लिखना ही नहीं जानता तो हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, प्रोटो में क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिकल एज में क्या होता है, लिखना तो वो सीख गया लेकिन पढ़ नहीं सके हम। ठीक है, यहां पर उनको लिपि का तो ज्ञान होगा लेकिन हम पढ़ नहीं सके, यहां तो लिखना भी नहीं जानता था तो पढ़ेंगे क्या, केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिकल एज में क्या हुआ, वो लिखना तो सीख गया, कुछ ना कुछ लिखना लग गया लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके। और अब हम नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल एज की, इसमें क्या होता है, मनुष्य लिखा ना
जो लिखा उन्होंने उसको पढ़ा भी गया। मतलब हिस्टोरिकल ऐतिहासिक काल, वो काल जिसमें मनुष्य के द्वारा जो जो लिखा गया, उनकी जो लिपि है उसको हम पढ़ भी चुके हैं, आज तक हमें पढ़ना आ गया। मतलब सिंपल सी बात है, प्री हिस्टोरिकल एज वो काल जिसकी जानकारी हमें केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर प्राप्त होती है। मनुष्य आदि मानव जैसे जीवन में रहता था, सिर्फ और सिर्फ शिकार पर निर्भर था, इसलिए उस काल को पाषाण काल भी कहा गया। इसको पाषाण काल के अंदर पाषाण काल कहा गया, और इस पाषाण काल के भी तीन प्रकार हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका काल सबसे ज्यादा है। इसका काल है 25 लाख से लेकर 3000 बीसी, मतलब इतने लंबे काल कालखंड के वजह से इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। इसका हमने पढ़ा 3000 से 600 बीसी के पूर्व, इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं है, और ये 600 से अभी वर्तमान तक ऐतिहासिक काल, इस ऐतिहासिक काल की लिपि हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो इसके प्रकार देखो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, साहित्यिक इसे भी हमें प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ की पढ़ी हुई लिपि को हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसके आगे, पूर्व प्राग ऐतिहासिक काल। अब मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्टोरिकल एज पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उसका जो टाइम है वो काफी बड़ा है, इसलिए उसके अध्ययन के लिए भी उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें क्या हुआ कि पूर्व प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल, इसको देखो क्या किया गया, इसका पहला पार्ट है पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में इसको बांटा गया है, फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीन भागों में प्रथम इसको बांटा गया है। देखो अब जो पूरा पाषाण काल है इसका समय माना जाता है 2 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। अब देखो कुछ इतिहासकार इसमें देखो अलग अलग टाइम बता देते हैं कि जैसे कोई 2 लाख की जगह 6 लाख ईसा पूर्व भी मानते हैं, कई इतिहासकार 2 लाख की जगह 25 लाख ईसा पूर्व से भी इसका समय मानते हैं, लेकिन 10,000 ईसा तक ये फिक्स है, 10,000 ईस्वी तक, और इससे पहले 2 लाख पहले से भी या फिर 6 लाख या फिर 25 लाख ये इसका समय माना जाता है। इसके आगे देखो इसकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी कि इस काल में आदि मानव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आदि मानव यायावर स्थिति, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह भटकना, जंगली स्थिति, खाना बदोश स्थिति। ठीक है, शिकार पर निर्भर रहता था, आग से परिचित का प्रयोग नहीं जानता। देखो इस काल में आदि मानव क्या करता था, शिकार के लिए पत्थरों से जानवरों का शिकार करता। आपको पता है कि जब दो पत्थर आपस में टकराते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है, आग उत्पन्न होती है। तो आदि मानव जब शिकार करता था, पत्थर कहीं फेंका होगा तो हो सकता है कभी कहीं ना कहीं कोई जगह आग लगी, तो उनको आग का पता चल गया कि ये पता नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये आग है। वो जानते थे कि ये कोई चीज है, कहीं पे आग जल रही है। ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि ये आग है और इसका क्या कार्य है, आग को किस चीज में काम में लेते हैं, ये इनको नहीं पता था। ठीक है, प्रयोग करना नहीं जानते थे, औजारों का प्रयोग करते थे, क्योंकि जानवरों को मारने के लिए औजारों की आवश्यकता पड़ती है। अब स्टार्टिंग में पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों से ये जानवरों का शिकार करते थे। तो देखो पहले के काल में क्या होता है, पत्थरों, बड़े बड़े पत्थर औजार बहुत बड़े बड़े प्रकार के होते थे। ठीक है, इसके आगे देखो नंबर से देखो, निम्न पूरा पाषाण काल, इसमें अभी हमने पढ़ा, देखो ये पूरा पाषाण काल, अब इस पूरा पाषाण काल के भी तीन पार्ट माने गए हैं, उसको हम अध्ययन करेंगे बाद में। इसमें इसके तीन भाग में इसको डिवाइड किया गया पूरा पाषाण काल को, कि निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। देखो ये निम्न पूरा पाषाण काल हो गया इसमें, और एक उच्च पूरा पाषाण काल, ये तीनों भाग निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा
पाषाण काल, इसको भी अलग अलग टाइम में डिवाइड किया गया है, 2 लाख से 1 लाख BC पूर्व, 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, या फिर इधर 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। तीनों जो पार्ट है ये किसके पार्ट है, देखो किसमें डिवाइड किया गया है इसको, इसके पूरा पाषाण काल के तीन भाग है, ठीक है। और पाषाण, ये पूरा पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल का पहला भाग है। इसकी विशेषता हमने देख ली, अभी निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल मैंने बता दिया। इसके आगे देखो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, इसका जो टाइम है 10,000 से 600 BC के समय, इसमें देखो क्या क्या होता है। मध्य पाषाण काल में हमने पहले वाले के तीन पार्ट अध्ययन कर लिए अलग अलग, अब देखो मध्य पाषाण काल में क्या क्या होता है। इसका टाइम माना जाता है 10,000 BC से 6,000 BC के पूर्व। इसमें देखो पशुपालन प्रारंभ हो जाता है, औजारों का आकार थोड़ा छोटा होने लग जाता है, ऐतिहासिक काल का संक्रमण काल इसको कहा जाता है, वो अभी हम बताएंगे। देखो मनुष्य द्वारा पशुपालन शुरू किया जाता है, पशुपालन में सबसे प्रथम पशु माना जाता है कुत्ता, जो मनुष्य ने के द्वारा पाला गया, ठीक है। इसको ऐतिहासिक काल का संक्रमण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इससे पहले का काल और इससे आगे वाला काल, उन दोनों की विशेषताएं इसमें पाई जाती है, इसलिए इसको संक्रमण काल कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल का संक्रमण काल कहा जाता है, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इसका टाइम है 6,000 BC से 1,000 BC तक। कुछ इतिहासकार इसे 1,000 BC की जगह 500 BC, मतलब वही टाइम के अकॉर्डिंग, एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं पता, सब अनुमान के अकॉर्डिंग अपने अपने तरीके से बताते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो मध्य पाषाण काल में देखो क्या होता है, सॉरी ये नव पाषाण काल स्टार्ट हो गया अपना। देखो मध्य पाषाण काल हमने पढ़ा, मध्य पाषाण काल में क्या था, पशुपालन प्रारंभ हो गया था, औजारों का आकार थोड़ा छोटा हो गया था, मनुष्य के अंदर बुद्धि का थोड़ा थोड़ा विकास होने लग गया था, वो बड़े बड़े पत्थरों की जगह छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करने लग गया था, और इसको ऐतिहासिक काल का संक्रमण काल कहा जाता है, ठीक है। अब मध्य पाषाण के बाद इसका जो थर्ड पार्ट था नव पाषाण काल, इसको नव पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल में एक तरीके से क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ कि मनुष्य की जीवन को में पूरी तरीके से बहुत से परिवर्तन आ चुके थे। देखो क्या क्या परिवर्तन आए, मनुष्य स्थायी रूप से बसावट करने लग गया था, आग से पूर्ण रूप से परिचित हो गया था, आग के प्रयोग करना वो सीख गया था, पहिए का आविष्कार हो चुका था, कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, मृद भांड और खाद्य संग्राहक बन गया था, मतलब भोजन को इकट्ठा करने वाला बन गया था। देखो जब स्थायी बसावट करेगा, एक जगह रहेगा, अग्नि का प्रयोग करना सीख गया, कृषि करना सीख गया, तो कृषि के लिए जो उनको उत्पादन होने लगा उसको इकट्ठा करना लग गया, तो खाद्य संग्राहक बन गया मानव, ठीक है। ये नवपाषाण काल के अंतर्गत आता है। इसके आगे देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूं मैं आपको, अगर काल अवधि समय के अकॉर्डिंग देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों आते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता 600 बीसी तक मानी जाती है, तो 600 बीसी से पहले तक इनका उद्भव हो चुका था, इसलिए काल अवधि के आधार पर इनको आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या है कि उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, तो इसमें तो हम वैदिक सभ्यता को भी पढ़ चुके हैं, महाजनपद काल के साहित्य को भी पढ़ चुके हैं, तो इनमें थोड़ा कंफ्यूजन सा रहता है, ठीक है। इसके अलावा आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, ताम्र पाषाण काल आते हैं, ठीक है। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल में केवल पाषाण काल आता है, और पाषाण काल को इसमें रखा जाता है, किंतु विशेषताओं के आधार पर सभी पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल में आते हैं। देखो समय के अनुसार तो आद्य ऐतिहासिक काल में देखो क्या क्या आता है, सिंधु सभ्यता भी आ जाती है, वैदिक सभ्यता भी आ जाती है, महाजनपद का काल भी आ जाता है, और ताम्र पाषाण काल भी आ जाता है। लेकिन और प्राग ऐतिहासिक काल में या फिर पाषाण काल में केवल पाषाण काल को रखा जाता है। लेकिन अगर विशेषताओं की बात करें हम इनकी, तो इनकी विशेषताओं के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल पूरा ही आ जाता है, पाषाण काल के तीनों भाग है जो भी इसमें आ जाते हैं।
इसके आगे देखो, वैदिक सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें, हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं, लेकिन एग्जिट तरीके से आज तक कहीं भी यह फिक्स नहीं हो सका हो पाया है कि वैदिक काल का एग्जिट टाइम क्या था। हम सिर्फ अनुमान के आधार पर ही अध्ययन करते हैं। देखो, क्योंकि इसका एक बात कहें तो हम ये पढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और हम उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो आप अनुमान लगाइए कि नगरों का निर्माण पहले होता है या ग्राम का निर्माण पहले होता है, क्योंकि हमें जनरली पता है पहले ग्राम का निर्माण हुआ होगा फिर नगरों का निर्माण होता है, लेकिन बस ये कंफ्यूजन सा है। आज तक कोई इतिहासकार ये नहीं बता सका एग्जैक्ट कि वैदिक सभ्यता पहले थी या सिंधु घाटी सभ्यता पहले थी, लेकिन हम वैदिक काल को अध्ययन करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में। अब देखो, इतिहास के विभाजन करता, इतिहास को बांटने वाले, इतिहास को, अभी हमने इतिहास का विभाजन पढ़ा, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसके अलावा हमने प्रागैतिहासिक काल के तीनों पार्ट को डिवाइड किया गया था, उनका अध्ययन किया। तो देखो, हम दोनों पढ़ेंगे कि इनका विभाजन किसने किया। तो देखो, इतिहास का विभाजन पीएफ सुहम, ये एक इतिहासकार है, इसने सर्वप्रथम इतिहास का विभाजन किया 1776 में। इन्होंने क्या किया, पीएम सुहम ने कोपेनहेगन का एक संग्रहालय था डेनमार्क के अंदर, उसमें उसके स्त्रोतों के आधार पर, वहां पर स्त्रोत थे रखे हुए, तो उनके आधार पर इन्होंने इतिहास को तीन काल खंडों में विभाजित किया, पाषाण काल में, कांस्य काल में और लोहा काल में। तीन प्रकार का इन्होंने इतिहास का डिवाइड किया, डिवाइडेशन किया। इसके आगे देखो, कांस्य काल क्यों कहा, क्योंकि देखो ताम्रकालीन सभ्यताओं के समय कांसा के कारण, अब आपको पता है कांस्य का निर्माण तांबे में टिन मिलाकर किया जाता है, इस कारण कांस्य काल का उन्होंने नाम दिया। इसके आगे हम पढ़ेंगे, पीएफ सोम के अपने इस इतिहास विभाजन को त्रिकाल प्रणाली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया था, इसलिए उसको त्रिकाल प्रणाली कहा। और 1836 में जाके क्रिश्चियन थॉमसन, जो ये अलग इतिहासकार है, इसने भी इस मत को स्वीकार कर लिया, ठीक है, त्रिकाल प्रणाली को इसके द्वारा तीन भागों में जो डिवाइड किया गया था उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में देखो, जॉन लुबार, ये एक अलग है, इन्होंने इतिहास को पुरापाषाण काल और निम्न पुरापाषाण और सॉरी पुरापाषाण काल और निम्न पाषाण काल में इतिहास को दो भागों में डिवाइड किया, लेकिन इन्होंने ही भारत के संदर्भ में भारत के इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया, तो उसका मध्यम आगे करेंगे। अब देखो, कॉमसन और बेडबुक, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1861 ईस्वी में नवपाषाण काल तक के समय को तीन भागों में बांटा गया, नवपाषाण काल तक के समय को तीन भागों में बांटा गया, जो हमने पढ़ा था कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सारी, ये इन्होंने इसका डिवाइडेशन किया था। इसके बाद में देखो, हम भारत में पाषाणकालीन स्थलों की खोज, मतलब इतिहास का विभाजन कर दिया, पाषाण काल, मतलब हमने आपको बताया पाषाण काल क्यों कहा, क्योंकि उस समय मानव पत्थरों पर निर्भर था, औजारों के आधार पर उस भाग को डिवाइड किया गया है। तो देखो, इसमें क्या किया पता चलता है कि डॉक्टर प्राइम रोज के अनुसार इन्होंने सर्वप्रथम पाषाणकालीन साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं कर्नाटक के रायचूर जिले से, इसका जो एक स्थान है लिंगसुगर नामक स्थान पर हमें पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और हमें क्या प्राप्त होता है, एक पोलिसदार चाकू और बाणागर की खोज हमें प्राप्त होती है, वहां पे खोज की जाती है। देखो, पाषाण काल को सिर्फ और सिर्फ औजारों के आधार पर, क्योंकि वहां पे पत्थरों के बनाए हुए औजारों के आधार पर पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया था, और उसमें इसी औजारों के आधार पर, और देखो हमने अभी बताया था पहले पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, सिर्फ और सिर्फ औजारों के आधार पर इन तीन भागों में डिवाइड किया गया था। पुरापाषाण काल के जो औजार थे वो बड़े होते थे, बेघड़त होते थे, उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता था। मध्यपाषाण के जो औजार थे वो थोड़े छोटे थे, व्यवस्थित थे और
ठीक ठाक थे, लेकिन नवपाषाण काल के औजार एकदम परफेक्ट हो चुके थे, तीखे तीक्ष्ण और छोटे हो चुके थे, ये तो बिल्कुल बेघड़त के, कोई इनका आकार प्रकार ठीक का नहीं था, ये थोड़े बहुत ठीक थे और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके के यहाँ पे इस काल में औजार हमें प्राप्त हुए हैं। तो देखो औजारों के आधार पर इन्हें तीन भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं आगे कि ये पाषाणकालीन साक्ष्य मतलब औजार प्राप्त हुए। सबसे पहले हमें पाषाणकालीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगर नामक स्थान से 1842 में एक चाकू हमें प्राप्त हुआ, एक बाणागर हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद में जॉन इवाज के द्वारा 1853 में नर्मदा नदी हमारे देश में मध्य भारत में जबलपुर जिले में कुछ औजार के हमें वहां पे खोज हुई प्राप्त हुई, ठीक है। इसके अलावा देखो रॉबर्ट ब्रोसफुट, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, इन्होंने मद्रास के निकट एक हैंड एक्स मतलब हस्त कुठार, मतलब कुल्हाड़ी के जैसा कोई औजार था, हथियार था, ये कहां पे प्राप्त हुआ, पल्लवरम नामक स्थान पर, सबसे पहले कर्नाटक के मद्रास में, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से सर्वप्रथम एक औजार प्राप्त हुआ, हैंड एक्स हस्त कुठार या कुल्हाड़ी। कहां से प्राप्त होती है, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से हमें प्राप्त होते। किसने खोज की, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, कब की, 1863 में। रॉबर्ट ब्रूसफुट को वहां पे बहुत से हथियार प्राप्त हुए, औजार प्राप्त हुए, पाषाणकालीन पत्थरों से निर्मित औजार प्राप्त हुए। उन औजारों को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या किया, 78 टाइप्स में इन्होंने इनको विभाजित किया। इसमें देखो 40 तो पॉलिशदार थे और 38 ऐसे थे, मतलब थोड़े अनघड़त बेघड़त भद्दे टाइप के, ठीक है। इन्होंने 78 प्रकार के औजारों को 78 प्रकार में इन्होंने डिवाइड किया। इसमें देखो अब एक बात बताओ, औजारों की खोज तो रॉबर्ट ब्रूसफुट से पहले भी कर ली जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, पब्लिश्ड नहीं किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इनके द्वारा जो खोजे गए थे औजार हथियार, इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1873 में पुरातात्विक प्रदर्शनी के अंदर अपने औजारों को प्रस्तुत कर दिया, मतलब दुनिया के सामने दिखा दिया। तो इसलिए इसको भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है, और रॉबर्ट इसको भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। इनका संग्रहालय वर्तमान काल में भी मौजूद है, कर्नाटक के बेलारी नामक स्थान पर इनका संग्रहालय मौजूद है। देखो रॉबर्ट ब्रूसफुट से पहले भी औजारों की खोज की जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको प्रदर्शनी में या फिर उनको जनता के सामने, लोगों के सामने उनको प्रदर्शित नहीं किया, इसलिए उनका नाम उल्लेखित नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पर लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया, इसलिए इनको उनका क्रेडिट मिल गया। इसके आगे देखो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, प्रोटो एंटीक्विटीज, ठीक है, आधा का है। इसमें प्रोटो एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया में अपने खोजे गए उपकरणों की जानकारी दी है, और इन्होंने खोज कहाँ पे की थी, बेल्लारी कर्नाटक में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी, 78 प्रकार में जिन्होंने इन्होंने डिवाइड किया था। उसके आगे देखो ये एक अलग इतिहासकार है, 1935 में कैम्ब्रिज से भारत में आए, ठीक है, बाहर से। इन्होंने उत्तरी भारत में, हमारे भारत के भाग उत्तरी भाग में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, कश्मीर आ गया, पंजाब आ गया, है ना, इसमें शिवालिक क्षेत्र, हिमालय पर्वत का एक भाग है शिवालिक क्षेत्र, उसमें साक्ष्य खोजे, ठीक है, कौन से साक्ष्य खोजे। अब देखो हिमालय जो क्षेत्र है वहां पे बर्फ होती है, बर्फ में क्या होता है, ग्लेशियर होता है, मतलब बर्फ की नदियां।
कौन सी नदियां? बर्फ की। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, टेरा और पीटरसन ने कश्मीर क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र में साक्ष्यों को खोजा और इनके ऊपर इन्होंने अध्ययन किया। इसके आगे देखो, स्टुअर्ट पिगट, ये स्टुअर्ट पिगट है, ठीक है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम की, इन्होंने 1950 में एक पुस्तक लिखी थी। इसके आगे देखो, ये शॉर्ट में एक बार फिर से देख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल के तीन पार्ट है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनका हमने अध्ययन कर लिया था। देखो ये अब आपको समझने के लिए, एक डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझाने के लिए मैं बताऊं आपको कि देखो पाषाण काल है, ठीक है, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एज, प्री प्री हिस्टोरिकल एज, ठीक है, इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल में इसको डिवाइड किया है, मध्य पाषाण काल में इसको डिवाइड किया है और नव पाषाण काल में इसको डिवाइड किया गया है। अब इसका समय हमने बताया था कि 25 लाख से लगभग 3000, 25 लाख से 3000 बीसी इसका टाइम माना जाता है पूरा पाषाण काल का। अब देखो इसका काफी लंबा टाइम होता है, तो इसको भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल, ठीक है, इनको तीन भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। अब आपको डायग्राम के जरिए एकदम समझ में आ गया होगा कि पूरा पाषाण काल प्री हिस्टोरिकल एज को तीन भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में, लेकिन इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल, ठीक है, औजारों की बनावट के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया था। ठीक है, पूरा पाषाण काल के औजार एकदम भद्दे टाइप के थे, कोई आकार व्यकार नहीं था, इसमें मनुष्य सिर्फ और सिर्फ जंगलों में रहता था, आदि मानव था, एक जगह नहीं रहता था, चारों हाथ पैरों से चलता था। ठीक है, मध्य पाषाण काल में मनुष्य थोड़ा थोड़ा सभ्य होने लग गया था, इसमें थोड़ा थोड़ा उसने जो औजार थे उनको आकार एक तरीके से निश्चित वो करने लग गया था। ठीक है, पशुपालन करने लग गया था। नव पाषाण कालीन में तो उनकी पूरी ही दशा चेंज हो जाती है, एक जगह रहने लग जाता है, कृषि करना सीख जाता है, समूह में रहने लग जाता है, अन्न उत्पादन करने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसमें चेंजेज होते हैं। इसके आगे देखो, ये दोबारा से फिर से स्लाइड में आ गया, पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया था कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में, ये हमने बता ही दिया था आपको। इसके आगे देखो, निम्न पूरा पाषाण काल में के औजारों की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो उपकरण थे वो किस तरीके के रहते थे, इसमें देखो, पेबल्स, चॉपर, चॉपिंग, मतलब पेबल्स क्या होते हैं, पत्थर, जैसे ये पत्थर है, ये पानी के बहाव के साथ में बहता हुआ आएगा तो क्या होता है कि ये बहता बहता थोड़ा एक तरीके से गोल होने लग जाता है, कोई तिकोना हो जाएगा, कोई चौकोटा हो जाएगा, मतलब इनमें थोड़ा समतल टाइप का पत्थर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पेबल। इसमें ये दो प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो चॉपर, चॉपर किसे कहते हैं, गंडा सा, जो ये तो हथियार आपने नाम सुना ही होगा कि पेबल से बना है ना, ऐसा हथियार या औजार जिसके एक तरफ धार हो, जैसे ये पत्थर है। ठीक है, अब इसके इसके बहाव के साथ में बहता बहता क्या होता है कि इसके एक साइड ये तीखा हो जाएगा, इसके एक साइड धार बन जाएगी, तो ये गंडा से टाइप का बन जाएगा, इसको क्या कहा जाता है, चॉपर, है ना। और इसके आगे चॉपिंग, ये बहुत ही खंडक, मतलब पेबल से बना ऐसा औजार जिसके दोनों तरफ ही धार हो, जैसे ये पत्थर है, ये ऐसा हो गया कि इसके दोनों साइड तीखी तीखी धार बन जाती है, दोनों साइड से ही ये वार कर सकता था, तो इसको क्या कहा गया है, खंडक। अब देखो ये जो काल है उसमें क्या होता है, अलग अलग
ये इस प्रकार के हथियार पाए गए, औजार पाए गए, इस कारण इसको क्या बोला गया, पेबुल संस्कृति। इस टाइम को किस संस्कृति का नाम दे दिया गया, पेबुल संस्कृति इसका नाम दे दिया गया। ठीक है, चौपर चौपिंग शब्दावली। इस अब देखो इस शब्द की अपन बात करें तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एच एल मोबियस ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये चीज आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि चौपर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, एच एल मोबियस के द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अब देखो इसको संस्कृति को क्या ऐसा नाम क्यों दिया गया, इसको ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के ही औजार हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको चौपर चौपिंग संस्कृति या पेबुल संस्कृति कहा गया। ठीक है, आगे क्या होता है देखो, अब जो ये जो हमने उस संस्कृति की बात की, पेबुल संस्कृति की बात की, अब जो ये इस प्रकार के उपकरण है, जो औजार है, हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, ये सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, इस क्षेत्र में ये औजार हमें प्राप्त हुए हैं, इस कारण इस संस्कृति को हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझना आप कि पेबुल संस्कृति, चौपर चौपिंग संस्कृति या उसको हम सोहन नदी संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि जो ये औजार है अधिकतर सोहन नदी के किनारे हमें, सोहन नदी के आसपास के क्षेत्र में हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं, सोहन संस्कृति। ठीक है, अब पेबुल किसे कहते हैं, गोल मटोल सपाट पत्थर के टुकड़े जो पानी के बहाव के साथ में टकराते हुए बहते हुए गोल मटोल मतलब सपाट एक तरीके से हो जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ किसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, सोन संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि सोन नदी के आसपास के एरिया में ये सारे औजार हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको हम सोन संस्कृति कहते हैं। इसके आगे देखो, एशुलियन संस्कृति नंबर सेकंड वाली जो संस्कृति है, पहले हमने सोन संस्कृति का अध्ययन किया, उसके बाद में एशुलियन संस्कृति। तो देखो इसके अंतर्गत कौन कौन से औजार हमें प्राप्त हुए हैं, हस्तकुठार, विदारक, खुरचनी, मतलब इस तरीके के पत्थरों के औजार हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब इसको एशुलियन संस्कृति क्यों नाम दिया गया, हमें इस चीज का पता होना चाहिए ऐसा नाम हमने क्यों दिया गया। देखो एशुलियन जो शब्द है ये एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फ्रांसीसी भाषा का ये शब्द है और जिसका अर्थ होता है पत्थरों के औजार। अब देखो एशुलियन संस्कृति इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे, अब जैसे मैं अभी आपको बता ही रही थी कि पत्थरों के औजार की हमें यहाँ पे खोज के दौरान हमें प्राप्ति हुई, अब इन पत्थरों के औजार हमें प्राप्त हुए और पत्थरों को फ्रांसीसी भाषा के अंदर एशुलियन कहा जाता है, इसलिए इसको एशुलियन संस्कृति भी इसको नाम दिया गया है। तो देखो पत्थरों के औजारों का नामकरण एशुलियन शब्द से किया गया है, एशुलियन शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसके आगे देखो, मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया था सोन संस्कृति, सोन संस्कृति क्यों कहा गया, सोन संस्कृति इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो सारे औजार है इस प्रकार के सब सोहन नदी के आसपास के क्षेत्र में हमें प्राप्त हुए, इसलिए इसको सोन संस्कृति कहा गया है। अब देखो इसके खोज कर जिस खोज किसने की, सर्वप्रथम डी एन वाडिया के द्वारा 1928 के अंदर इसकी खोज की गई, इसको सोन संस्कृति के जनक कहा जाता है। ठीक है, और आर्यू टोर ने सोन नदी के आसपास स्थित स्थान का उत्खनन किया 1930 के अंदर सबसे पहले। ठीक है, इसके आगे देखो, हाँ जी सर, चलो दो मिनट, ठीक है। देखो एस डी टेरा और टीटी पीटरसन ने शिवालिक की पहाड़ियों से साक्ष्य प्राप्त किए, शिवालिक हमारे इंडिया में, भारत में उत्तरी भाग में ये ये जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, सोन संस्कृति की 5 वेदिकाएं हमें प्राप्त हुई, सोन संस्कृति की जो खुदाई के दौरान 5 वेदिकाएं हमें वहां से प्राप्त हुई। सोन संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1936 में एस डी टेरा के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके आगे हम ये जो एशुलियन संस्कृति है, ठीक है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे इसके आगे से। ठीक है, आज तक जो हमने पढ़ाया इसके बारे में आपको जो भी कंफ्यूजन हो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइए, आपको जो भी समझ में नहीं आया हो, ठीक है, इसके आगे की चर्चा हम कल से करेंगे। ठीक है, ओके, और डेली हमारी जो क्लास है मॉर्निंग में 11 बजे से स्टार्ट हो जाती है, तो आप सभी कंटिन्यू रह के हमारे साथ में प्रिपरेशन कीजिए।